फ्रेंड्स आज हम बनाने जा रहे हैं मेथी थेपला। तो यहाँ पे हमने लिया है फ्रेश मेथी जिसे हमने 3 से 4 पानी धो रखा है। चलिए हम इसे काट के दिखाते हैं। हमें मेथी का डंठल अलग कर देना है और इसकी फुनगी को लेना है। एकदम नरम नरम पत्तियां लेना है। इसे बारीक बारीक काटेंगे। तो ध्यान रहे इसे चुटकी से कस के पकड़ना है और नाइफ को एकदम नजदीक नजदीक ऐसे कट लगाना है। तो आप देख सकते हैं कितनी बारीक अपनी मेथी कट रही है। तो ऐसे हम सभी मेथी को काट लेंगे। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं हमने बिल्कुल सॉफ्ट पत्तियों को बारीक बारीक काट रखा है। चलिए आगे का प्रोसेस शुरू करते हैं। तो यहाँ पे हमने लिया है गेहूं का आटा। आप चाहें तो इसे बेसन के साथ भी बना सकते हैं, पर गेहूं से बनी हुई थेपला सॉफ्ट होती है। और इसमें हम डाल लेंगे अपना बारीक कटा हुआ मेथी का पत्ता। इसमें हम डाल लेंगे थोड़ा सा लहसुन जिसे हमने बारीक कूट रखा है। थोड़ा सा हम अदरक डाल लेंगे यानी कि जिंजर, ये भी दरदरा कूटा हुआ है। थोड़ा सा हम हरी मिर्च डालेंगे क्योंकि ज्यादा तीखा हमें पसंद नहीं है, बच्चों के लिए हम बना रहे हैं। हम थोड़ा सा लाल मिर्च डाल ले रहे हैं। थोड़ा सा हम इसमें धनिया पाउडर डाल ले रहे हैं। थोड़ा सा हम हल्दी पाउडर डाल लेंगे। अब हम डालेंगे इसमें स्वाद के अनुसार नमक। अब हम इसमें डालेंगे ढेर सारा तेल। तेल डालने का मतलब है कि अपनी पराठा जो है वो सॉफ्ट होती है यानी कि मुलायम होती है। कम तेल डालने से कम मुलायम होती है। अब हम सारे इंग्रेडिएंट्स को अच्छे से हाथों की मदद से मैसेंगे। यहाँ पे हमने मेथी पत्ता और सारे इंग्रेडिएंट्स को अच्छे से मैश लिया है। आप देख सकते हैं ये कितनी बढ़िया से मिक्स हुआ है। अब हम थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए इसका डो तैयार करेंगे। ध्यान रहे हरी पत्तियां हैं तो पानी हम अंदाज से डाल लेंगे क्योंकि मेथी की पत्तियों में भी पानी होती है। तो हम थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए आटा तैयार करेंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमने आटा को अच्छे से मसलते हुए तैयार कर लिया है। आप देख सकते हैं ये ज्यादा ना हार्ड है ना ज्यादा सॉफ्ट है। अब हम इसके ऊपर थोड़ा सा सरसों का तेल या कोई भी कुकिंग ऑयल इस पे लगा सकते हैं। इससे क्या होगा, ऊपर की परत अपनी सॉफ्ट रहेगी, सूखेगी नहीं। अब हम डो में से थोड़ा थोड़ा डो लेके और इसका बॉल तैयार करेंगे। तो आप अपने मनपसंद साइज का बॉल्स बनाइए, छोटा बड़ा। हम इस साइज का बॉल्स तोड़ रहे हैं और ऐसे ही 10 बॉल्स तोड़ के आपको दिखाते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमने कुछ लोई तैयार कर लिए हैं। अब चलिए आगे का प्रोसेस शुरू करते हैं। तो यहाँ पे हमने एक प्लास्टिक का शीट ले लिया है। ये वही शीट है जिसमें हम साड़ी पैक करा के लाते हैं या कोई भी सामान। तो हमने इसे अच्छे से वाश कर लिया है। अब हम थोड़ा सा तेल से इसे ग्रीस कर लेंगे और इस पे हम एक एक लोई डालेंगे यानी कि जो हमने बॉल्स बना के रखा है। इसको हल्का सा प्रेस करके हम इसे कवर कर लेंगे। तो यहाँ पे हमें ज्यादा स्पेस रखना है क्योंकि जब अपनी थेपला फैलेगी तो अच्छे से गोल में आ जाए। अब हम बेलन की मदद से इसे तो आप देख सकते हैं हमने हल्के हाथों से अपनी थेपला को कितना अच्छा फैलाया है। छोटी सी डोई एक बड़ी सी थेपला बनके तैयार हो चुकी है। इसकी थिकनेस देखिए, इतना पतला हम बेलन से चौकी पे नहीं कर पाते हैं। अब चलिए हम इसे तवा पे सेक लेते हैं। गैस पे हमारा तवा गर्म है। हम धीरे से थेपला को अपना रख लेंगे और एक साइड से हम 1.5 से 2 मिनट तक सेकेंगे। एक साइड से हमारी थेपला सीख चुकी है। हम एक चमचे की मदद से इसे फ्लिप कर लेंगे। आप देख सकते हैं इस पे काले काले धब्बे आ गए हैं। यही पहचान है कि एक साइड से हमारी थेपला सीख चुकी है। अब हम इसके ऊपर डालेंगे 1 चम्मच भर के तेल। अब जितना मात्रा में तेल यूज करेंगे उतना ही सॉफ्ट आपकी पराठा तैयार होगी। तो चाहे तो आप घी भी डाल सकते हैं, लेकिन तेल से बनी हुई थेपला बहुत ही टेस्टी होती है और मुलायम भी होती है। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप क्या डालना पसंद करेंगी। अब हम इधर से ऐसे घुमाते हुए फ्लिप कर लेंगे और दूसरे साइड में भी हम पर्याप्त मात्रा में अपना तेल या घी लगा लेंगे और दोनों साइड से हम उलटते पलटते कड़ाड़ीदार थेपला तैयार कर लेंगे। फिर आप देख सकते हैं कितना बढ़िया कलर आ रहा है।
तो गाइस हमारा थेपला अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिए और कमेंट में अपना सुझाव जरूर लिखिए। धन्यवाद।